मुख्यमंत्री जी के हाथ में सब कुछ है। मुख्यमंत्री जी परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी के और अध्यक्ष, इन तीन लोगों के बीच ये बात है। अब मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वही होगा, तो एक बार तो हम लोग को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी को लाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही हो, सचिवालय अभ्यर्थी हो या फिर बीपीएससी अभ्यर्थी। बिहार में कोई भी पार्टी या कोई भी नेता छात्रों के साथ खड़ी नहीं है, तो फिर जाने का सवाल ही नहीं होता कि किसी पार्टी के साथ हम जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, और सरकार ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के खिलाफ, सभी नेताओं के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और सभी का बहिष्कार करेंगे। हमारे पास तो हर पार्टी का ऑफर आ रहा है ना, लेकिन हम तो किसी पार्टी के पार्टी में नहीं चले गए आज तक, तो हम नहीं गए किसी पार्टी में, क्योंकि हम कोई पार्टी है ही नहीं ऐसा जो कि छात्रों के साथ खड़ी हो, तो हम कैसे उस पार्टी के साथ खड़े हो। अभ्यर्थियों ने ही नोटा का बटन दबाया, शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभी, उन लोगों ने ही नोटा बटन दबाया, आम पब्लिक जो आम जनता है उन्होंने नहीं बल्कि युवाओं ने। लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी आंदोलन खत्म हुआ, हालांकि उसे खत्म होना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो संतुष्ट नहीं है। दिलीप आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपडेट हम इनसे जान लेते हैं। दिलीप, क्या है अपडेट ये बताइए। देखिए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीएमओ से परसों रात को फ़ोन आया था, कल भी दोपहर में फ़ोन आया था, तो हम बार बार जो भी हमसे पूछा जा रहा है हम सब जानकारी दे रहे हैं, लिखित रूप में भी दे ही चुके थे, लेकिन सीएमओ के जो अधिकारी लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिए हैं, और वहाँ से कुछ आया होगा, उसके बाद वो लोग फ़ोन करके फिर हमसे पूछे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में सब कुछ है, मुख्यमंत्री जी, परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी के और अध्यक्ष, इन तीन लोगों के बीच ये बात है। अब मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वही होगा, तो मुख्यमंत्री जी को इसमें चाहिए कि आप 6 लाख अभ्यर्थी जो है उन पर आप न्याय कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, हम लोग एक दो दिन और वेट कर सकते हैं, ज़्यादा तो वेट नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, और सरकार ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के खिलाफ, सभी नेताओं के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और सभी का बहिष्कार करेंगे। क्या लग रहा है दिलीप, आप फिर से मोर्चा खोलिएगा? सरकार की अगर मानने के लिए होता तो पहले भी मान लेते, लेकिन मोर्चा खोलने के बाद फिर से नहीं वो मानी। देखिए, सरकार को मजबूरन माननी पड़ेगी, और ये सिर्फ एक एग्जाम की बात है नहीं कि हम लोग छोड़ दें। अगर सिर्फ ऐसा रहता ना कि 67वीं की बात है तो चलिए छोड़ दे, लेकिन ये तो सब एग्जाम का बात है ना, आगे 68वीं, बीपीएससी का और कोई एग्ज़ाम, या दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, सचिवालय सहायक, शिक्षक बहाली, सब में तो यही हाल है ना। तो एक बार तो हम लोग को मिल के लड़ना पड़ेगा, और हम एक प्लेटफॉर्म पे सभी को लाना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही हो, सचिवालय अभ्यर्थी हो या फिर बीपीएससी अभ्यर्थी। इस बार कितने अभ्यर्थी आपके साथ देंगे, इस बार तो जो मोर्चा आप खोलेंगे? नहीं, ये तो हमारा थोड़ा लंबा प्लानिंग होगा, और इसके लिए पूरा ज़िला हमको जाना पड़ेगा, टीम बनाने पड़ेगी हर ज़िला में, तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है अब, क्योंकि जब तक हमारे पास संगठन नहीं होगा, टीम नहीं होगा, तो सही तरीके से ये नहीं हो पाता है, और सरकार पे दबाव तब ज़्यादा बनेगा। अगर हर जिला से लोग आ जाएंगे और हर जिला में आंदोलन शुरू हो जाएगा तो सरकार पे दबाव बनेगा निश्चित रूप से। अभी तो सिर्फ पटना में आंदोलन हो रहा है, अगर हर ज़िले में इस तरह से आंदोलन हो जाए तो निश्चित रूप से सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो मेरा दो सवाल है, उसका मैं पहला एक सवाल आपसे पूछती हूँ। जिस तरह से IPF अमिताभ दास से भी हमने इस पर चर्चा की, बातें की, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो ढुलमुल रवैया सरकार कर रही है, क्योंकि उन्हीं के लोग जो हैं जो क्वेश्चन लीक वगैरह करवाने में थे, अभी तक कुछ पकड़े भी नहीं गए हैं, तो आंदोलन भी नहीं सुन रहे हैं, तो अब एक ही उपाय है कोर्ट में जाने का। क्या कह रहे हैं इस पर आप? देखिए, कोर्ट में जो जाना चाहते हैं वो स्वतंत्र जा सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जब रिजल्ट आया उसके बाद से मैं लगातार ये बात कहता रहा हूँ कि जिनको कोर्ट जाना है वो जाए, स्वतंत्र है। कोर्ट में मतलब किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में वकील की ज़रूरत है। तो हम पहले से कहते हैं जिनको जाना है वो कोर्ट जाए, लेकिन अभी पिछले 10-12 सालों से जो कोर्ट का रवैया है उसको देख के हम लोग कोर्ट जाने से हिचक रहे हैं। जैसे मतलब पेपर लीक में भी जो हुआ, अभी तक कोर्ट का सुन ही रहा है। क्या हुआ पेपर लीक में? कोर्ट गए लोग, वकील गए थे, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले 60 से 62वीं में, 63वीं में, 64वीं में, 65वीं में, 66वीं में, हर में कोर्ट गए हैं लोग, कुछ नहीं हो पाया। दरोगा बहाली में बहुत सारा केस चल रहा है, अभी तक सुनवाई भी नहीं हो पा रही। उपाय क्या है? वो बहाली भी खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट बहाली आई वो भी खत्म हो गया, लेकिन अभी तक केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ जिनको कोर्ट जाना है जा सकते, स्वतंत्र है, मैं इसमें किसी को रोक भी नहीं रहा हूँ। वो अभ्यर्थी अपना जाना चाहते हैं जाए, लेकिन हम जो कहेंगे कोई कि हम इसमें लीड करें तो हम नहीं कर सकते हैं ना। कोर्ट में मेरा काम नहीं, वकील का काम है। चलिए, एक और लास्ट सवाल जो है, जिस तरह से आपकी खबरें चलती है और जो अभ्यर्थी हैं, जो आपके चाहने वाले जो भी हैं, जिनका आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, वो लगातार ये एक बात कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से कमेंट बॉक्स में ये भरे पड़े हुए हैं, कि उनका कहना है कि अब
कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, कोर्ट का भी जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं, बस लंबा अरसा तक तारीख पे तारीख मिलते ही जाता है, सरकार भी नहीं सुन रही है। आखिर में क्या करें, अपना सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, आपको खड़ा होने की बात कर रहे हैं, और अमिताभ दास भी कह रहे हैं कि जैसे असम में युवा लोग ही अपना एक अलग ही सरकार बना लिए और कारगर भी हुआ, क्या कहेंगे? लोगों की डिमांड है, अभ्यर्थियों की डिमांड है। देखिए, असम में भी हुआ था, झारखंड में भी आजसू छात्र संगठन है, उस बहुत सारा सीट जीत के आए थे, बीजेपी के साथ सरकार भी बनाए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। बिहार में भी ऐसा हो सकता है, ये तो छात्र तय करेंगे। तो फिर बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ किसी के साथ जाकर सरकार बनाना, तो फिर तो वही बात है। हमने आजसू का उदाहरण दिया, आजसू का हमने झारखंड में उदाहरण दिया, हम वो अलग से शायद चुनाव लड़े थे, मतलब अभ्यर्थी कह रहे हैं निर्दलीय खड़ा नहीं, तो वो हम सिर्फ एग्जाम्पल दिए कि झारखंड में ऐसा हुआ था, हम किसी पार्टी से मिले, हम तो बोल रहे हैं कि बिहार में कोई भी पार्टी या कोई भी नेता छात्रों के साथ खड़ी नहीं है, तो फिर जाने का सवाल ही नहीं होता कि किसी पार्टी के साथ हम जाए। हमारे पास तो हर पार्टी का ऑफर आ रहा है ना, लेकिन हम तो किसी पार्टी के पार्टी में नहीं चले गए, आज तक तो हम नहीं गए किसी पार्टी में, क्योंकि हम कोई पार्टी है ही नहीं ऐसा जो कि छात्रों के साथ खड़ी हो, तो हम कैसे उस पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे, हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं ना। तो छात्र तय करेंगे कि आगे क्या करना है, और ये आगे करना पड़ेगा। जब कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है तो हम उस पार्टी को वोट क्यों दें, हम अपना वोट क्यों खराब करें? तो या तो फिर नोटा का बटन दबाए, या कोई नया विकल्प हम लोग तैयार करें या ढूंढे, यही एक उपाय। तो ये छात्र तय करेंगे। तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से कुर्नी में भी जिस तरह से आया है, नोटा का बटन ज़्यादा दबाया गया, MIM से ज़्यादा नोटा दबाया गया। हम लोगों ने अपील किया था, हम लोगों ने अपील किया था कि नोटा का, आप ही के चैनल पे तो हमने कहा था, यानी कि अभ्यर्थी लोग, अभ्यर्थियों ने ही नोटा का बटन दबाया, शिक्षक अभ्यर्थी हो, BPSC अभ्यर्थी हो, BSSC, अभी उन लोगों ने ही नोटा बटन दबा, आम पब्लिक जो आम जनता है उन्होंने नहीं, बल्कि युवाओं ने नोटा का बटन दबाया है। और सरकार को इसे सबक लेनी चाहिए कि एक पार्टी कोई है उससे ज़्यादा नोटा का बटन आपको आया दबा है, उतना वोट आया है, तो एक संकेत है जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था, आग्रह किया, आप ही के चैनल पे हमने आग्रह किया था कि नोटा का बटन दबाए BPSC अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, ये लोग, क्योंकि अपील हम लोग बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं, और ये 29 नवंबर को भी हम लोग धरना दिए, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि सरकार अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी तो कोढ़नी के लोग जो है युवा है नोटा का बटन दबाए। तो एक संकेत है कि आगे जो है बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और इन पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, इन नेताओं से मोह भंग हो चुका है, और युवा जो है अब इन लोगों से नाराज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि BPSC आंदोलन के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर 2 दिन के बाद भी सरकार से कोई भी संदेश नहीं आता है तो फिर उसके बाद फिर एक मोर्चा ये खोलेंगे, और जिस तरह से अभ्यर्थियों का डिमांड हो रहा है कि एक नया चेहरा बनाने के लिए, एक अभ्यर्थियों को ही खड़ा करने के लिए और अपना सरकार बनाने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, हम लोग लगातार ये सोच रहे थे कि अब कुर्नी में नोटा बटन इतना क्यों दबाया गया है, वो साफ पता चल गया कि आखिर नोटा बटन दबाने वाले हैं कौन, अभ्यर्थी लोग ही नोटा बटन दबाने वाले हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।